ये करेले की सब्जी बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेगी, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होने वाली है ये सब्जी। हेलो दोस्तों, आपका सविताज किचन एंड ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ करेले की एक नई रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बनके तैयार होने वाली ये चटपटी रेसिपी और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक पाव करेला लिया, उसे अच्छे से धो लिया है और लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया दो बड़े प्याज, ये भी लगभग एक पाव के करीब है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है मसाला, जो भरवा करेले में यूज करते हैं, वो मैंने 3 बड़े चम्मच से मसाला लिया है। लिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में डाला है 5 बड़े चम्मच तेल, ये सरसों का तेल है, सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है, आप अपने हिसाब का तेल यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है एक बड़े चम्मच से भर के सौंफ, और इसमें डाला है मैंने हींग और हल्दी। अब हमारी सौंफ चटक चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को थोड़ा हल्का हम भून लेंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी करेले की सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो हमारा प्याज हो चुका है भून के, अब इसमें हम डाल देंगे करेला। अब इस तरह से हम इसे मिक्स करके और ढक ढक के हम इसे पकाएंगे अच्छे से, और हर 2-2 मिनट पर इसे हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी पक चुकी है, अब इसे हमें ओपन करके और फ्राई करना है फुल फ्लेम पे। इसी तरह से हमें चलाते रहना है, नहीं तो सब्जी हमारी जल जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अब हम नमक के साथ सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। अब हम सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। दोस्तों अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी ये सब्जी, बहुत ही टेस्टी होती है और बच्चे भी इसे बहुत पसंद से खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्जी हमारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी कितनी यम्मी और चटपटी सब्जी बनके तैयार हुई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए दोस्तों सब्जी हमारी तैयार है, यम्मी और टेस्टी चटपटी सब्जी। आप इसे दाल चावल के साथ चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है और कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।